और यहीं पे अगर वो बैठ गया है और तो ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। जुपिटर जो है आपके कुंडली में कहीं भी अगर केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि पाला घर, चौथा घर, सातवा घर या दसवां घर में बैठा हुआ है, अति उत्तम रिजल्ट देगा आपको। आज जो हम बात कर रहे हैं ये धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वाला जो जातक होता है इसका कौन सा बिजनेस इसके लिए सूट करेगा और किस प्रोफेशन में ये आगे जाएगा, आज हम उसी के बारे में बात करें। देखिए अगर बिजनेस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो धनु में सबसे पहले एजुकेशन आता है। एजुकेशन का यहां पर एक सवाल होता है, जैसे कि एजुकेशन में अगर कोई बड़ा बड़ा स्कूल या कॉलेज, यहां तक कि यूजीसी से संपर्क करके, यूजीसी का फ्रेंचाइजी लेके या यूजीसी से काम मिलके अगर काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं बीएड का कॉलेज खोलना या ग्रेजुएशन का कॉलेज खोलना, यह सब अति उत्तम होता है, खास करके धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि में जो आता है ये थोक का जितना भी काम होता है, क्योंकि जुपिटर जो है ये है वृद्ध ग्रह, थोक का जितना भी काम है ये उसी के अंतर्गत आएगा। आपको पूजा पाठ का दुकान, होलसेल हो या उसमें आप काम करते हैं, जुपिटर के लिए अति उत्तम बताया गया है। मिठाई का दुकान अति उत्तम बताया गया है, कि मिठाई का दुकान खोल सकते हैं या मिठाई का बिजनेस कर सकते हैं, इत्र का काम कर सकते हैं, जबकि ये शुक्र की काम है। इत्र का बिजनेस जो है, इत्र लगाने से शुक्र अच्छा होता है, इत्र का बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो जुपिटर बहुत ही अच्छा काम करेगा। यहां तक कि फिल्म मेकिंग का काम, जैसे कि पर्दा के पीछे जो काम होता है, पर्दा के आगे जो काम होता है वहां पे शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन पर्दा के पीछे जो काम होता है उसमें जुपिटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसमें ज्ञान लगता है। तो यहां पे ये सब काम या फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, यहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपका किसी भी जातक का धनु राशि है तो। अगर ये जातक भूमि बेचने या खरीदने का काम करता है अति उत्तम होगा, बट लीगली कीजिए, इलीगल मत कीजिए। आभूषण का बिजनेस कर सकते हैं या आप जॉब कर सकते हैं, उसमें आपको 100% अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पीली वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक को दे सकता है। और शिक्षा, और खास करके जैसे कि हमने बुध और गुरु की युति अगर किसी भी जातक में होगा तो ये जातक बेशुमार शेयर मार्केट में भी अच्छा धन संपत्ति कमा सकता है। यहां पे हम आपको बता देते हैं कि जुपिटर आपके कुंडली में कहीं भी, जुपिटर जो है आपके कुंडली में कहीं भी अगर केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि पाला घर, चौथा घर, सातवां घर या दसवां घर में बैठा हुआ है, अति उत्तम रिजल्ट देगा आपको, बहुत ही आगे लेकर जा सकता है, इतनी क्वालिटी होता है। जब भी किसी भी जातक का धनु राशि है तो यह काम जरूर करिए, इस बिजनेस को करिए, आपको ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। देखिए अगर किसी जातक की बात करते हैं ना, जुपिटर की बात करेंगे, ये जुपिटर ग्रह है, और जुपिटर अगर किसी भी जातक में, आपका कोई भी कुंडली बना हुआ है, आप अपनी कुंडली को ले लीजिए, और आपकी अगर धनु राशि है और तो धनु राशि में गुरु जो है वो किस घर में बैठा हुआ है ये देखना अति उत्तम होता है। अब यहां पे देखिए अगर किसी भी जातक का अगर कुंडली है आपके पास में, कुंडली ले लिए हैं, ठीक है, और कुंडली ले लिए हैं, और उस जातक का अगर गुरु, सपोज कीजिए गुरु अगर 10 नंबर में कहीं भी बैठा हुआ है, 10 नंबर में गुरु बैठा हुआ है, तो इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस गुरु अगर यहीं पे छठे घर में बैठा हुआ है और यहीं पे अगर वो बैठ गया है और तो ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। इस स्थिति में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरे नाम पे बिजनेस शिफ्ट कर लीजिए। आप अपने बच्चे के नाम पे कर सकते हैं, आप अपने बीबी के नाम पे कर सकते हैं, अति उत्तम किसी भी जातक को रिजल्ट लेकर देता है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आपका गुरु कहां पे बैठा हुआ है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मंगलोजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,